समस्या या कुछ है तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। दोस्तों आज हम कंप्लीट एक्सप्लोर करने वाले हैं, नैनी पुल भी जाएंगे जहाँ पर यमुना जी पे बहुत ही बड़ा पुल बनाया गया वहाँ भी। और आज सिद्धार्थ जी अम्मा ही घूम रहे हैं अभी, यहाँ पर कार वगैरह लाने का वो नहीं था, सिर्फ बाइक चला सकते हो, चलिए घूमते हो। सो गाइस ये है मौल्य अमावस्या के दिन का भीड़, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ। और देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। तो यहाँ पर घूम घूम कर अपना बैग का सिलाई उखड़ गया, तो उसको सिलवा रहे हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो ये ब्रिज है, और ब्रिज के जो कॉलम है उसको डिज़ाइनिंग किया गया है, आप देख सकते हो। और लोग देखिए, इधर देखिए पूरा ब्रिज को पूरा कॉलम किए हैं, कलर कर दिए गए हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हो मस्त यार, पूरा टेंट लगा दिया है ब्रिज के नीचे में, पूरे लोग रह रहे हैं। यहाँ पर देखिए शंकर जी का बहुत ही प्यारा पूरा ब्रिज को कलर करके एकदम स्टैचू बना दिया, मतलब स्टैचू नहीं मतलब मूर्ति, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भीड़ को देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा भीड़। तो यह संगम जाने का मौसम तकरीबन आपको 800 मीटर यहाँ से और चलना पड़ेगा, और भीड़ को देख सो गाइस हम हैं संगम, त्रिवेणी संगम पर, और अभी यहाँ बोटिंग वगैरह कराते हैं तो उधर लेकर चलते हैं आपको, चलिए। और भीड़ बहुत ज़्यादा है अंदर है पूरा, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भीड़। तो चलते चलते एक बार देखते हैं कि नाव वगैरह में कितना रुपये चार्ज है और नाव चला रहे हैं कि नहीं चला। तो यहाँ पर है त्रिवेणी स्नान, देख सकते हो पूरा। तो गाइस हम निकल गए नाव में त्रिवेणी संगम में, और आप देख सकते हो चल दबा बल्लो। और यहाँ से सिद्धार्थ जी चलो चाचा काला का टक्कर हो जी, चल जान दे जान दे जान दे। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं त्रिवेणी संगम के नाव में, और यहाँ का चार्ज है 60 रुपये पर हेड, 60 रुपये आपको लगेगा, पूरा वहाँ तक ले जाकर आपको नहला कर वापस ले आएंगे, देख सकते हो। और बहुत ये आपका लाइफ जैकेट पहन कर ही जाना पड़ता है यहाँ पर, वरना फाइन वगैरह है। तो चलिए चलते हैं और एंजॉय करते हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। सो गाइस हम हैं अभी यमुना नदी में, और यहाँ से जा रहे हैं गंगा त्रिवेणी संगम में, फिर वहाँ से हम लोग नहा वहा कर अपना जाएंगे। और बहुत ही रोमांचक रहा अपना इलाहाबाद का ये सफ़र, बहुत यहाँ 3 दिन हो गए अपने को, बहुत ही मज़ा रहा है। और अब जब भी आते हैं दोस्तों तो ये याद रखिएगा कि आपको सामान का अपना लेकर अच्छे से चलना है, सामान का यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और अपना मोबाइल पर्स हमेशा अपने पास ही रखिएगा। और नाव में सस्ता है, 60 रुपये में नाव आप जा सकते हो, शेयरिंग में 60 रुपये पड़ेगा। आप पर्सनल बुकिंग भी करा सकते हो, जिसका चार्ज अब 500 से स्टार्ट है, तो आप पर्सनल भी कर सकते हो। बाकी देख सकते हो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। सो गाइस आप देख सकते हो जब आप आओगे यहाँ त्रिवेणी संगम में, तो नाव में आप जब आओगे तो आपको इस प्रकार से लगाया जाता है नाव में, और उसके बाद आपको नहाया जाता है यहाँ पर, तो ये भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर तकरीबन 20 से 30 फीट गड्ढा है, और उधर देख सकते हो पूरा नाव लगा हुआ है, और यहाँ पर पूरा नहाने वहाने का व्यवस्था वगैरह पूरा है, देख सकते हो पूरे इधर से देखिए। और इस साइड देखोगे पूरा नाव चल रहे हैं, पूरा चांटी की तरह दिख रहे हैं छोटे छोटे, देख सकते हो ये कुछ इस तरह का व्यू है। और हम लोग का नाव कुछ इस प्रकार से। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घाट पे, और यहाँ से नहाने वाने का अपना व्यवस्था हो गई, देख सकते हो पूरा व्यू बहुत ही प्यारा है। और वहाँ से एक नाव जा रही है उधर से, और यहाँ पर देख सकते हो पूरा नाव, और अपन घाट का तलाश में, जहाँ पर अपना घाट को अच्छा लगे वहाँ पर लगा देंगे बोल के,
जैसे लग रहा है कि फिर अपना नहाने वाले हैं, तो चलिए चलते थोड़ी देर में और नहाते हैं, फिर आप लोग से और मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर तीन नारियल लगता है गंगा जमुना सरस्वती में। क्या चीज़ है महाराज, यहाँ पर आते तो क्या करते हैं? यहाँ गंगा का पूजन होता है जी, उसे भेंट होता है गंगा जी का, पहले श्रृंगार दिया जाता है जी, अखाड़ी पग नहीं मारा जाता जो भगवान रामचंद्र सीता ने पहले किया जी जी। ये अपने हिंदुओं का मर्यादा होता है जी जी। जैसा जैसा मुसलमान लोग का सबसे तीर्थयात्रा क्या है, मक्का मदीना है, ऐसा अपना हिंदुओं का ये प्रयागराज है जी जी। तो स्नान करने से पहले गंगा माँ का पहला भेंट होता है, तीन नारियल फूल पुष्प और अक्षत डाल के प्रणाम करते हैं, फिर स्नान करते हैं। यहाँ की ये मर्यादा पहला काम तो होता है। त्रिवेणी में जब भी जो भी आते हैं तो इसको करना ही जरूरी है। हाँ, पहला ये खाली पग नहीं मारा जाता है। गंगा यमुना और सरस्वती गुप्त है, उनके ये सीने पर लाद जाता है, तो उससे पहले ये डाल के प्रणाम होता है, विधि क्षमा मांगी जाती है, फिर स्नान करते हैं जी, जो अपना हिंदुओं की मर्यादा होता है। तो दोस्तों हम लोग हैं यहाँ पर, देख सकते हो मैं और सिद्धार्थ जी, और हम लोग नारियल वगैरह, तीन नारियल लगते हैं, फूल लगते हैं, फिर चढ़ाने के बाद स्नान किया जाता है, और महाराज जी ने आपको बताया ही, और सिद्धार्थ जी हम लोग अपने नाम चढ़ा देंगे। तो चलिए महाराज जी और कुछ बताइए त्रिवेणी संगम के बारे में। यहाँ पे महत्व बहुत है, ज़्यादा है महत्व है, जैसे गंगा यमुना सरस्वती, जो भगवान जब वनवास हुआ था, जब चित्रकूट गए थे, तो यही रास्ता है जाने के लिए यहाँ, इस पार से इस पार गए थे। जैसे अभी नाव आप बैठे हैं, तो पहले वो भी नाव बैठे थे, तो पहले वो इस पार नहीं गए थे, पहले यहाँ बैठ के पहले गंगा यमुना सरस्वती का पहले पूजन किए थे, फिर इस पार से उस पार गए थे। तो वहाँ पर शंकराचार्य जी का मंदिर बना हुआ है, जो महाजोगी आश्रम है, सच्चा आश्रम है वहाँ बना हुआ, जहाँ भगवान रामचंद्र जी एक रात को यहाँ ठहरे हुए थे। और भरद्वाज मुनि का आश्रम इस पार है, और वो राजा किला है, राजा अशोक ने उसका नींव दिया था, राजा अकबर ने उसको कंप्लीट किया था, और उसके बगल में इतने बड़े हनुमान जी हैं, जो यह प्रयागराज के जो क्षेत्र के माने जाने हनुमान जी हैं। तो आदमी यहाँ स्नान करने पर गंगा जी के पहले दर्शन उनका हनुमान जी के करते हैं, फिर अपना घर का परिप्रस्थान करते हैं, जो यहाँ का मर्यादा है। स्नान करने के बाद हम लोग को हाँ हनुमान जी के दर्शन करना पड़ता है, तब उसके बाद अपने वो घर का प्रस्थान करते हैं, और लेटे हनुमान जी बगल में है, किला के पास बड़े झंडा लगा हुआ है, उसी के बगल में है। सोमम भरद्वाजम शाबाशकी वंदे अक्षयवटम प्रयाग तीर्थ नायकम तुम राजा सर्व तीर्थानाम तीर्थ में देहि तीर्थराज महाराज नमस्तुते इदं फलम मया देवी पुरुषस्तव तेन मे सफला वापतिर भवेत जन्मनि यह जन्मनि पूर्व जन्मनि जन्म जन्मनि पाप अपराध क्षमा करना ओम नमो गंगे महागंगे महादेवस्य वल्लभे बहते त्वाम महादेवी भागीरथी नमस्तुते मां गंगा मां यमुना मां सरस्वती तीनों धाम में नजर भेंट में तीन नारियल पुष्प अर्पित किया त्रिवेणी माता मनोकामना पूर्ण करना समस्त कुटुंब परिवार का रक्षा करना हमारी यात्रा सफल करना गंगा महारानी माता पिता बाल बच्चों भाई बहन को शांति बल बुद्धि विद्या में प्रकाश करना भूल चूक क्षमा करना रोजी रोजगार बरकत करना त्रिवेणी माता समस्त कुटुंब परिवार धर्म से त्रिवेणी पूजन में भोजन यथाशक्ति माथे लगाइए। तो हमने नारियल वगैरह सो फाइनली गाइस हम लोग नहा चुके हैं त्रिवेणी संगम में, पूजा वगैरह करा ली है, और अब चल रहे हैं घाट की ओर, फिर वहाँ से चलेंगे बड़े हनुमान मंदिर और चलिए, और देख सकते हो मेरे पूरे बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, चलिए और भी आपको दिखा दें आगे। तो फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं गंगा मैया के स्नान त्रिवेणी संगम से, और अब देख सकते हो इतना प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पर, और एक एक करके एक साइड बैठो ना, और देख सकते हो हम लोग बैठ गए और चलते हैं अपने मंजिल की ओर, और बहुत ही प्यारा व्यू है, तो चलिए और भी दिखाते हैं। देखो चचा क्या बल्लू कैसे करा था। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारा व्यू है।
छोड़ दो कुछ नहीं होगा, वो यहाँ खेल रहे हैं। चलो भैया। अरे भैया कहाँ हैं? नाना खेल रहे हैं अभी। नाना चलो टक्कर खेल रहे हैं अभी। अरे मेरा वाला निकल गया क्या भाई? चलो टक्कर होने दो अरे इसने फिर से टकरा यार, इधर मजा नहीं आ रहा है। चलो टक्कर खेलो, नाव टक्कर। घुमाते हुए जाना चाचा ऐसे ना, बहुत सुंदर भाई, थैंक यू, धन्यवाद तहे दिल से। तो दोस्तों देख सकते हो ये है त्रिवेणी संगम।